ओ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा वो रहा। काफ़ी दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली आज वो दिन था जिसमें मैं और हर्षी जा रहे थे अपनी ढिकाला की दूसरी ट्रिप पर। और एक बात बताऊं, यह कोई एक दो सफारी वाली ट्रिप नहीं थी, बल्कि इसमें हम करने वाले थे 5 सफारियां, मतलब कि 2 नाइट का स्टे। सुबह सुबह 5:45 को हमें हमारी जिप्सी ने हमारे रिसोर्ट से पिक किया, जो कि रामनगर में ही था। उसके बाद हम सब ने थोड़ी दूर जाकर एक एक चाय की प्याली पी। सुबह सुबह जंगल के बीचों बीच किसी चाय की टपरी पे चाय पीने में जो आनंद आता है, वो किसी भी महंगे से महंगे रिसोर्ट की चाय में नहीं है। अपनी चाय की प्याली ख़त्म करके सिर्फ 10 मिनट का सफ़र तय करके हम लोग पहुंच जाते हैं उस अद्भुत गेट पर जिसके अंदर जाने का हर किसी का मन करता है। हम लोगों ने फटाफट वहाँ अपनी एंट्री करवाई और निकल पड़े अपनी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए, जो थी ढिकाला FRH। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ 2 दिन तक बहुत बारिश हुई, जिसकी वजह से जंगल पूरा का पूरा ग्रीन हो गया था। जंगल अपनी इस ब्यूटी को सबके सामने ऐसे पेश कर रहा था कि देखने वाला बस यही बोलता, वाह क्या जंगल है। रामगंगा रिवर के किनारे पे चलते चलते हम लोगों के अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी मानो हमारी बरसों पुरानी तपस्या पूरी होने जा रही थी। और हाँ, ये बात सच भी है, ढिकाला आना सबका सपना ही तो होता है। आज जंगल इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं इसके बारे में आपको कैसे समझाऊं? खैर, आप खुद ही देख लीजिए। आप खुद देखो, जंगल में पत्ते ऐसे बिछे हुए हैं कि मानो जंगल ने कंबल ओढ़ रखा है। ऊपर से यह है अप्रैल का महीना, जंगल के बाहर की दुनिया में टेम्परेचर 35+ से ऊपर जा रहा है। भीषण गर्मी पड़ी हुई है, पर यहाँ जंगल में देखो हमें जैकेट पहनकर जाना पड़ रहा है। टेम्परेचर इतना ठंडा है कि अप्रैल में भी हमारे हाथ चिल्ड हो जा रहे हैं। पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम तो खुशी के मारे बड़े चले जा रहे हैं ढिकाला की ओर। बातें करते करते लो जी, हम पहुंच चुके थे सुल्तान FRH के पास। ढिकाला जोन के पहले FRH को देख के इतना सुकून मिला हमें। वहाँ कुछ जिप्सियाँ अभी भी खड़ी थी, वो अभी तक सफारी में नहीं गई, तो गाइड ने बताया कि शायद वो लोग सोकर अभी तक उठे नहीं हैं। टाइम तो हो चुका है, सोए हुए होंगे, क्योंकि जंगल में जो है आप बाहर जो है कितने भी कोशिश कर ले, पर जंगल के अंदर जो नींद आती है ना, ये तो हमने बड़ी प्यारी आती है। तो चलिए, अब आप हमारे एक गाइड साहब की बातों को गौर से सुनिए और समझिए जंगल कैसे काम करता है। तो अक्सर हमने जो है ढिकाला में जो टाइगर देखे हैं वो अकेले देखे हैं, ऐसे नहीं कि वो अलग बात है कि हमारा जो है 2 नाइट का स्टे है और 1 नाइट हमें मिला नहीं और दूसरी नाइट में हमारी मजबूरी है। वो नहीं तो टाइगर को देखने का जो मज़ा है वो अकेले का है, यानी कि अकेले की गाड़ी हो, टाइगर दिख रहा हो तो वहाँ पे जो है आपको चांसेस मिल जाते हैं। एक तो शोरगुल नहीं होता है ना, और आप जो है अच्छे तरीके से जो है टाइगर को देख सकते हैं। अभी 15-20 दिन पहले एक वीडियो देखी थी जी, उसमें गेस्ट जा रहे थे ढिकाला की तरफ जी, और रास्ते में उन्हें पेड़ वाली मिल गई। बिल्कुल, अब देखिए आप, आपने उस दिन ढिकाला में किसी को भी नहीं साइटिंग हुई। बिल्कुल उनका लग देते हैं, और इतनी शानदार साइटिंग हुई थी उनकी, इतनी शानदार, बिल्कुल बगल में जीप थे। जी 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 जी, एक दिन ऐसे हुआ, हम गैरल से चल रहे थे और जो है आगे आगे जो है टाइगर के यानी कि पगमांग लगे थे, बिल्कुल फ्रेश है ना, और एक गाड़ी एंट्री कर चुकी थी हमसे पहले, यानी कि उसने एंट्री करनी थी ढिकाला में, उसका स्टे जो था ढिकाला में था। अब वो हमसे तकरीबन जो है 5 मिनट पहले आया होगा, 5 या 10 मिनट पहले, तो हम पगमांग को जो है फॉलो करते करते आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे चाल से, है ना, कि दाएं बाएं देखते हुए फॉरेस्ट को। उसके बाद जो है जब हमें वो गाड़ी मिली तो हमने उससे पूछा, हमने कहा क्या है, बोला हमने तकरीबन जो है
चार पाँच मिनट जो है टाइगर को देखा। तो अब देखिए उसका लग था ना कि हमसे पहले उसकी गाड़ी थी, हम फॉलो कर रहे थे पगमार्क को, वो टाइगर देख, अब वो उन्होंने देख लिया। होता क्या है, थोड़ी देर के बाद जो है हमें कहीं पीछे फिर से कॉल सुनाई देती है ब्लैक फेस मंकी की। तो हम जाते हैं वहाँ पर, हमने कहा कि आप तो हो सकता है कि टाइगर ने फिर से रिटर्न कर लिया हो। तो हम जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ जो है जैसे अभी आपने बताया ना कि पेड़ वाली, तो वहाँ पे हमें दूसरी फीमेल दिखी। तो हम उसको देख के आए, जब तक हम थोड़ा इटाला की तरफ को और मूव किया हमने, तो वहाँ पे और गाड़ियाँ जो है किसी दूसरी टाइग्रेस को देख रही थी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही एरिया में जो है आपको दो तीन टाइगर दिख जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है उसके मूवमेंट पे। आज वैसे बारिश बता रखी है, मौसम बातें चल ही रही होती हैं, तभी अचानक हमारे ड्राइवर को रास्ते में कुछ दिखता है। वो अचानक से गाड़ी को रोक लेता है और हमें दिखाता है टाइगर के पग मार्क्स। बाप रे, इतने बड़े पग मार्क्स थे ये। पर ये पग मार्क्स पीछे नदी की तरफ जा रहे थे, आई थिंक टाइगर पीछे निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम सोचते हैं कि निकाला। तो ये जो फॉरेस्ट है यहाँ तो बहुत सारे टाइगर हैं सर ना। अच्छा, इसी वाले में, इसी एरिया में कितने हैं? और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है एक टाइगर की जो टेरिटरी होती है जी, वो डिपेंड करता है उसके साइज पे या उसके जो है पावर पे। अच्छा, है ना। अगर बड़ा टाइगर है तो उसका एरिया बड़ा हो सकता है जी। तो वैसे नॉर्मली 10 से 12 किलोमीटर का एक अपना उसका एरिया होता है, टेरिटरी होती है। तो उस एरिया में जो है एक मेल के साथ में 2 से 3 फीमेल हो सकती है। तो आप ये मान सकते हैं कि 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि चार मतलब टाइगर टाइगर फीमेल जी, लेकिन मेल नहीं रह सकते एक साथ, मेल एक साथ नहीं रह 12 किलोमीटर जी। तो उसकी अपनी एक टेरिटरी होगी। टेरिटरी किस प्रकार बनती है, जैसे कि पेड़ पे क्लो मार्किंग करना, सैंड मार्किंग करना, है ना। तो इस तरीके से वो जो है अपनी टेरिटरी को निर्धारित करता है। गाइड जी की जानकारियों से भरी बातों को सुनते सुनते हम लोग ऑलमोस्ट आधे रास्ते को कवर कर चुके थे। अब बस डिकाला थोड़ी ही दूर पे रह गया था और हम लोग अब इतने एनर्जेटिक हो गए थे कि क्या बोलूं। हम लोग कभी एक पहाड़ पे चढ़ते तो कभी दूसरे पे चढ़ते, ऐसे ही एक एक करके पहाड़ों को क्रॉस करते करते हम इतने सुंदर सीन को देख रहे थे। बारिश के मौसम में ये पहाड़ों को कोई क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पानी का फ्लो बहुत तेज रहता है। थोड़ी दूर जाते ही हमें स्पॉटेड डियर्स और सांबर्स और मंकीज का ग्रुप मिलता है जो देखने में बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए हमने उनको अपने कैमरे में कैप्चर भी किया। हमारे गाइड ने बताया कि इसकी बॉडी पे जो खरोंच के निशान हैं वो आई थिंक कभी इसकी टाइगर के साथ मुठभेड़ हुई होगी जिसमें इसने अपनी जान बचा ली, इसलिए आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लंगूरों का ग्रुप भी था जो आपस में इधर उधर खेल रहे थे। किस तरीके का खेल था कुछ समझ नहीं आया क्योंकि ये रेलगाड़ी की तरह एक दूसरे के पीछे चले जा रहे थे, छुक 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 करते हुए। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा क्यूट थे। वो अल्फा रहा होगा ना। ये स्पॉटेड डियर्स तो गाड़ी के बहुत ज़्यादा करीब थे। इनकी बॉडी इतनी शाइन कर रही थी, इतनी शाइन कर रही थी, इनकी बॉडी का हर एक कलर ऐसे चमक के उठ रहा था। और इसके सींग तो देखो बाप रे कितने खतरनाक। नेचर में सब अच्छे लगते हैं। उसके गोद में तो बच्चा भी है। हाँ देख, गोद में बच्चा भी है। ये लोग क्या कर रहे थे हमें कुछ नहीं पता, पर हमने भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया, थोड़ा सा इनको शूट किया और चले गए हम अपनी मंजिल की ओर। हर जगह पानी मिल रहा होता है तो वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता, यानी कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है तो वो उतना मूवमेंट नहीं करेगा। लो जी, फाइनली पहुंच गए ढिकाला, जहां मोड़ पर ही एक जिप्सी खड़ी थी जिससे हमने कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश भी करी। इधर तो कुछ नहीं है, इधर नवीन मित्र नाड़ू। हाँ यार, जब तुमने पहले बैठा ना कहाँ से मोटरसाइकिल चौराहे पे खास में अरे यार देखा उन्होंने हमें बताया कि मोटा साल के पास टाइगर देखा गया है, वहाँ टाइगर बैठा हुआ है।
तो हम लोग भी फटाफट सबसे पहले अपनी एंट्री करवाने के लिए डिगाला कैंपस के अंदर आ जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी डिगाला की पहली सफारी। सीधा मोटा साल एरिया पर जाते हैं उसमें, और अब कितना डिफरेंस है, बहुत अंतर है ना। इसलिए अभी पहले कवर करेंगे उस एरिया को जहाँ पे जो है उन्होंने बताया ना कि वहाँ पे जो है टाइगर, हाँ मोटा सा, तो वहाँ पे चलते हैं। फर्स्ट आप वेलकम। पौने 8 बजे बैठ गया था, 10 बजे तक हमारा टाइम होता है, 10 बजे तक नहीं उठा देते, फिर हम लोग वापस आ गए। अगर वो भी इंसान की तरह होता तो परसेंटेज के हिसाब से जो है गिनता रहता कि हाँ इतने लोगों ने मेरे को देख लिया, इसका कमीशन क्या होगा। लो जी, हम पहुंच गए उस एरिया में जहां बोला गया था कि टाइगर ग्रास में बैठा हुआ है। काफ़ी जिप्सियां वहां खड़ी थी और हमारे ड्राइवर साहब नवीन जी भी वहां थे जिनके साथ हम सफारी करने वाले थे। नवीन जी ने हमें बोला कि हम लोगों को दूसरी साइड जाके खड़े हो जाना चाहिए, अगर टाइगर निकलता है तो वो हमें इशारा करेंगे, अगर हमें मिलता है तो हम उनको इशारा करके अपनी तरफ बुलाएंगे। इसलिए हम चल पड़ते हैं दूसरी दिशा की ओर। इसी बीच कैंटर सफारी वाले भी आ जाते हैं। उनको जब पता चलता है कि टाइगर यहीं बैठा है तो उस पर बैठे सब लोग एक्साइटमेंट के साथ उसी ओर देखने लगते हैं, पर जब हमें इतनी देर से टाइगर नहीं दिखा तो इनको कहाँ से दिखेगा। कैंटर सफारी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही रहता है कि उनको डिकाला में लिमिटेड टाइम ही मिलता है सफारी करने के लिए, इसलिए अगर टाइगर निकलने वाला भी होगा तो उनको अपने टाइम के कमी होने के बावजूद वहाँ से जाना पड़ेगा। पर वहीं जीप सफारी में आपको 4 घंटे का भरपूर समय मिलता है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस टाइगर को देखने के लिए उस एरिया के चप्पे चप्पे पे जिप्सी और कैंटर्स लाइन लगा के खड़े हुए थे, पर टाइगर भाई साहब तो इतने मगन थे सोने में, इतने मगन थे कि भाई साहब बाहर आने का नाम तक नहीं ले रहे थे। इसी बीच हम लोग कुछ बर्ड साइटिंग भी कर लेते हैं। पिकॉक को देखिए कैसे मस्त होके नाच रहा है, जिसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, टाइगर को तो लोग भूल ही गए। अब टाइगर का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, पर टाइगर भाई साहब 2 घंटे से वहीं सोए पड़े थे, अब ना जाने वो कब उठेंगे। इसी के साथ हमारी पहली सफारी का टाइम भी ख़त्म हो चुका था, 10 ऑलमोस्ट बजने वाले थे, इसलिए हमें 10 बजने से पहले गेट के अंदर चले जाना था। तो हम लोग टाइगर को वहीं छोड़ के बढ़ चले अपने ढिकाला के गेट की तरफ, जहाँ पहुँच के हमें चेक इन भी करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी आगे के एपिसोड्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना सारा मज़ा आप लोग खो देंगे। धन्यवाद।